ये बाहर आया हुआ था अपने कुछ से वैसे यार दोस्तों गर्मी की वजह से मरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं दोस्तों। दोस्तों आज जो है ना हमने अपने केज की सेटिंग ये वाली बड़े की इधर कर दी है और छोटे की सेटिंग हमने इधर कर दी थी और इसमें हमने अपने सिर्फ जैपनी जो मुर्गियाँ हैं उन्हें छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इसकी रीज़न ये थी दोस्तों कि इधर आ जाती थी धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे हमने इधर ही रहने दिया। ये उधर सेटल नहीं हो रहा था इसीलिए इसे इधर ही पड़ा रहने दिया और बाकी जो है ना वो सारे केज वगैरह उधर कर दिए। और फाउंटेन को दोस्तों मैंने थोड़ा सा कटिंग कर दिया है, ये आप देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी हुई कटिंग लेकिन खुद ही की है, ये ब्लेड के साथ कटिंग किया और बाकी की इंशाल्लाह ताला आज कर देंगे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इन्हें मैं दाना वगैरह डाल रहा हूँ। तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है, इधर तक धूप आ जाती है, अभी ये सारी धूप थी इधर से लेके इधर तक सारी धूप थी तो इसीलिए जो है ना मैं कबूतर ओपन नहीं किए। अब जो है ना छाँव हो गई है तो मैंने ये सारी चीज़ें ओपन कर दी, चिप्स वगैरह भी ओपन है मुर्गी के और जो है ना ये भी कबूतर सारे ओपन है। दोस्तों ये कबूतर पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, ये वही जो बीमार वाला हमने पकड़ा था ये बीमार हो गया। ये चल भाई और शेब चला चेक करें सामने हमारे पे, ओए वो क्या उसने अंडा भाई दिया हुआ है, किसने यार दोस्तों 103 हमारी ने अंडे दिए थे, ये पकड़ इसने अंडा मेरे ख्याल से अपना भाई फेंक दिया है। ये पानी गिरा देते हैं नहीं भाई, मैंने इनको थोड़ी देर पहले डाला था दोपहर टाइम, ये मुझे लग रहा है जिसने अंडे दिए उसने फेंका। हाँ ये उसने खुद ही फेंक दिए होंगे क्योंकि दोस्तों जगह चेंज होने की वजह से नहीं बैठती और ये अंडा जो है बल्दी बजरी भी है, ऐसे हम चेक करेंगे तोड़ के दूसरे शायद खराब हो गए हो स्पाइरल और हमारा जो एक चिक्स है ना उसे हम देखने वाले पे भी बाहर ना आ जाए। दरवाजा ये वाला बंद है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, अब पकड़ो इसको पकड़ के ही रहे वैसे वैसे। दोस्तों ये देखें चिली बर्ड का बेबी है, बाकी तो बीच ही है, बाकी भी चेक करते हैं अभी बाहर निकाल के। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये बाहर आया हुआ था अपने कुछ से और ये मैंने बाहर निकाल दिया बाकी भी निकाल दिया। इसको इधर चारपाई पर रखते बिठा दे इसको भी, ये वो खुद क्यों नहीं खाता इतना बड़ा हो गया, ओए ओ ओ भाग रहा है, देखते हैं काटता है या नहीं काटता। ओ बड़ा अच्छा है, शरीफ है, उड़ना नहीं है ये शरीफ है, ठीक है किया है। तो वो कह रहा था आपके हाथ आने से अच्छा मैं खुद खुशी कर लूं, कल बाहर निकालेंगे सारे ये फिर से गिर गया। चूजे देखो किस तरह आते हैं, चलो अब इसको वापस रख दो। और दोस्तों एक जो तोता है ना ऑस्ट्रेलियन वो अली भाई ने ये देखे इधर छोड़ दिया हमारी जो फिंच है उसके साथ छोड़ तो ये देखिए पानी बारी फेंक दिए पता इसे वापस छोड़ते हैं। और जो उधर छोड़ना है वो भी तोता पकड़ लो, सुबह पकड़ेंगे अभी नहीं पकड़ना, तो हम तोड़ के चेक करते हैं वो साइड में छोड़ इनको उड़ाना अली भाई उधर से तोड़ दो। दोस्तों इसे अब तोड़ के चेक करते हैं, ये
नहीं बच्चा नहीं बन रहा था ये देखो ना, खराब था उसने इसलिए फेंक दिया भाई, उसने इसलिए फेंक दिया भाई। ये देखो दोस्तों बच्चा नहीं बन रहा था, ये मुर्गी वगैरह ना खा ले खराब था दोस्तों, इसलिए इसने फेंक दिया भाई तोते ने। तो इसके ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं ताकि हमारी मुर्गी वगैरह कोई खा ना। दोस्तों अब जो है ना हम अपने कबूतरों को दाना वगैरह डाल देते हैं और बाद में फिर इनको बंद भी करना है शाम के टाइम। दोस्तों ये रोटी भी भिगो के रखी होती है इसने, ये पहले रोटी डालता है। जैपनीज भी बाहर निकाल दे, वो दाना वगैरह खा लेना। और दोस्तों छत के ऊपर ये देखें कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ, ये देखें आज रात को इंशाल्लाह ताला मैं सारी सफाई कर देनी। उसकी रीज़न ये है रात को, रात की रीज़न ये है दोस्तों कि दिन टाइम तो इतनी गर्मी होती है कि दिन टाइम तो भी नहीं होना, कि आप लोगों को पता होगा दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए रात को नहीं हो सकती। और शहज़ेब इनको दाना वगैरह डाल रहा है सभी चीज़ों जान, और शहज़ेब इनको दाना वगैरह डाल रहा है सभी परिंदों को। ये जो डक्स है ना ये बहुत ज़्यादा ना गंद मचाती छत के ऊपर, और मैंने इनको ना सेल आउट कर देना, और इनके अलावा देसी मुर्गियां जो होती हैं वो रख लेनी है, कोई और चिकोर होती है वो रख लेनी है, ये इनको सेल वगैरह कर देना। और शहज़ेब अब दाना डाल रहा, पहले रोटी भी कोई हुई डाली है अब दाना डाल रहे हैं। दरअसल दोस्तों रोटी इसलिए मुर्गियों के लिए डालते हैं, वो कबूतर भी फिर साथ खा लेते हैं, दाना सभी के लिए होता है मिक्स। सारा दाना वगैरह डाल दिए, और फाउंटेन का काम भी हमारा भी रहता है, और फाउंटेन को हमने इधर रख देना है इस जगह पर इस पिंजरे के साथ। ये देखो दोस्तों वैसे यार दोस्तों ये गर्मी की वजह से मरा शहज़ेब साहब, ये होता है गर्मी के। ये देखो दोस्तों कल तक ठीक था और अभी तक बिल्कुल खुशक हो गया बिल्कुल, ये देखें इसके ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कब का मरा पड़ा। कोई भी परिंदा इन दिनों में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता, तो मेरा यही आइडिया है कि अब किसी भी जानवर परिंदे के किसी भी परिंदे के हम अंडे वगैरह नहीं हैच करवाएंगे, क्योंकि ये मसला होता है परिंदा मरने का भी चांसेस होते हैं, है ना शहज़ेब ऐसे ही है ना। तो बाकी हम देख लेते हैं बेबी पिजन जो थे वो कैसे हैं, ये तो ठीक नहीं है इंशाल्लाह, इनको बाहर निकाल के छोड़ दें इन्हें नहाना। हाँ ये भी अच्छी बात है, पकड़ बाहर छोड़े इनको। तो दोस्तों ये था आज का लोग, उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों आज जो है ना आपको मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि आज छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिंजरे वगैरह ये वो सब कुछ बिखरा पड़ा है, और आज रात को मैं सारा रात लगा के इंशाल्लाह ताला सारी सेटिंग वगैरह कर दूँगा ताकि सुबह का व्लॉग हमारा बहुत अच्छे तरीके से बने। और इन डक्स के लिए जो है ना हमने सुबह फाउंटेन में पानी भी भरना है और इधर ठीक है ना, तो उस फाउंटेन का मैंने भी काम कर देना है कुछ, और कुछ रह जाएगा तो वो सुबह इंशाल्लाह ताला कर देंगे। ठीक है दोस्तों अल्लाह हाफिज़।